आलसी और अकेलापन जो बच्चों का है, उनको हम क्या करने वाले हैं? ये सवाल आज हमारे बीच में है। आइए इसके बारे में बात करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोरोना महामारी ने 2 साल से बहुत फटके हमको दिए हुए हैं। काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ट्रैवल इंडस्ट्रीज का बैन बज गया, लोगों के धंधे पानी बंद हो गए, होटल इंडस्ट्री बंद, एजुकेशन को सबसे बड़ा फटका बैठ गया। ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया, बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिलना कठिन भी हो गया, कि जो अच्छे घर के हैं, जो बड़े सिटीज में रहते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल उनके पास में है, तो उनके लिए ठीक हो गया। मगर जो पालक एकदम अशिक्षित है, जिनकी हैसियत नहीं है, जो मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं, जहाँ रेंज नहीं है, तो उनके बहुत हाल हो गए। क्या होता है कि जब ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है तो घर में अकेला है, अकेला कमरे में बैठ के पढ़ता है, ना किसी से मिलना जुलना है, ना किसी से बातचीत है। क्या होता है कि जब वो बाहर जाता है, लोगों से मिलता है, तो उसका व्यक्तित्व विकास होता है। लोगों के मत कैसे है, लोग कैसा बिहेव करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, तो वो देखते हैं। स्कूल में जाते हैं तो स्पर्धा परीक्षा होती है, बार बार टेस्ट लेते हैं, तो उसमें वो तैयार हो जाते हैं। खेलकूद करते हैं, मैदान में जाते हैं, वहाँ उनकी कॉम्पिटिशन्स होती है, गैदरिंग है, एनुअल गैदरिंग है, अलग अलग 15 अगस्त, 26 जनवरी, वहाँ कॉम्पिटिशन्स, मतलब उनका व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास होता है। अभी यह सब पूरा बंद हो गया 2 साल से। बच्चों को घर में बिठाओ, अकेले बैठे हुए कमरे में, उसमें वो आधे बार सो रहे, ऑफ कर देते हैं वीडियो, सुनते भी नहीं है। और मेरे पास में कितने सारे बच्चों को लाया उनके माँ बाप ने, कि भाई बच्चा धीरे 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 आदी हो गया पॉर्न वीडियोस में, सेक्स वीडियोस में, बाकी गेम्स खेलने में, मतलब वो पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। क्योंकि वो देखते 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 उनको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो फिर उसमें लोग आदी हो गए, व्यसन लग गया। और कितने सारे पालकों ने मुझे मेरे पास में आए कंसल्ट करने के लिए, कि बच्चा पॉर्न वीडियोस का एडिक्शन उनको हो गया, या बाकी वीडियोस का, गेम्स का, पबजी का एडिक्शन हो गया। लोग तो अभी मतलब इतना अकेलापन, आलसीपन इतना हो गया कि अभी बच्चे ऑफलाइन एग्जाम को कितना डरने लगे, कि भैया जब गवर्नमेंट में ये अनाउंस कर दिया कि भाई हम ऑफलाइन एग्जाम लेने वाले हैं, तो वो हिंदुस्तानी भाऊ जो है, वो उसका उसने आह्वान किया, उसने लोगों को, बच्चों को बोला रास्ते पे आ जाओ, उसका विरोध करेंगे, तो पूरे महाराष्ट्र में कितने सारे लोग रोड पे आ गए, कितने सारे बच्चे रोड पे आ गए, कि हमको ऑनलाइन परीक्षा ही होना है, ऑफलाइन नहीं होना है। मतलब उनको इतना डर है ऑफलाइन जाने का, ऐसा उसका एक अर्थ निकाल सकते हैं कि ऑफलाइन नहीं होना भाई, उनको डर लगता है वहां जाने को। मतलब कितना व्यक्तिमत्व विकास का ह्रास हो गया, कितना लोगों ने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। सबसे ज्यादा मुझे तो डर यह लग रहा है कि जो लोग कौशल्य अभ्यासक्रम में है, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज में है, और जिनको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स है, तो उन्होंने 2 साल में क्या एजुकेशन लिया होगा? जिनको एक्चुअली प्रैक्टिकल करना पड़ता है, पेशेंट को देखना पड़ता है, उन्हें वो डॉक्टर जो बनेंगे कैसे बनेंगे डॉक्टर? एक तो जोक मैंने सुना कि भाई एडवर्टाइजमेंट आई थी, और वो एडवर्टाइजमेंट लिखा था कि कोरोना काल में यदि MBBS है या कोरोना काल में ग्रेजुएट, तो कृपया अप्लाई मत करें। मतलब इस तरह का, कि कोरोना काल में आप यदि पास हो गए तो अप्लाई मत करो, क्योंकि मालूम है कि आप कहाँ तक आए हैं। वैसे ही गवर्नमेंट में अभी क्या किया है, गवर्नमेंट में 10वीं क्लास तो फेल करना ही नहीं, ऐसा बोल दिया। मतलब आज कितने सारे बच्चे मेरे पास में आते हैं, मंदबुद्धि के हैं, उनको 2+2 आता नहीं है, 2+2 आता नहीं है, 5+5 आता नहीं है, कोई कैलकुलेशन आता नहीं है, कुछ काम करने आता नहीं है, कुछ करना आता नहीं है, वो बिल्कुल मंदबुद्धि के। और उनको पूछा तो बोलते हैं कि 10वीं फेल है या 10वीं पास भी, ऐसा बोलते हैं। बोले पास कैसे हो गया? बोले अभी आजकल तो पास ही कर डालते हैं, और नहीं तो फिर गांव गांव में जाते हैं, बहुत ही एक आधा रिमोट सेंटर लेते हैं, और वहाँ तो बस अंधाधुन कारोबार है। जिसको 2+2 नहीं आता, वो मैट्रिक पास है, 10th पास है, ऐसे हालत है। तो ये ऑनलाइन में क्या होगा पता नहीं, कैसे विद्यार्थी बाहर निकलेंगे, कैसे डॉक्टर, कैसे इंजीनियर बाहर निकलेंगे पता ही नहीं। तो ये बदलने की जरूरत है,
अभी जैसा अभी कोरोना का ये खत्म हो चुका है, अभी काफ़ी सारा अनलॉकिंग चालू हो गया है। मेरे ख्याल से अभी जो स्कूलों में जिनको ऑफ देते थे, छुट्टियां थी, सैटरडे संडे ऑफ, सैटरडे आधा दिन, फिर ये उत्सव वो उत्सव, ये फेस्टिवल सब बंद करना चाहिए। ये धूप काला जो भी आ रहा है समर, उसमें वेकेशन सब बंद करना चाहिए, उसमें क्लासेस लेना चाहिए। जो भी डूब गया है, जो भी नुकसान हुआ है, सब भर के निकालेंगे तो अच्छा होगा। इसको भी विरोध होगा, लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को आराम करना है, मगर शासन इसके प्रति यदि कठोर है तो डेफिनेटली सब छुट्टियां कैंसिल करके लोगों को सिखाना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।